बड़ी खबर जुड़ी हुई है दिल्ली दे सीएम अते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे नाल। अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट तो जमानत दिती गई है। सब तो वड्डी अदालत दे वल्लों अरविंद केजरीवाल नूं वड्डी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल नूं जमानत दे दिती गई है, पर उस दे नाल ही कोई शर्तां भी जिहड़ियां ने ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 170 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ कि हुण जिहड़ी जमानत है अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों दे दित्ती गई है। इस तों पहले भी एक बार जमानत दित्ती जांदी है, फिर उस दे मामले दे उत्ते जांच हुंदी है, फिर एक बार अरविंद केजरीवाल नूं जेल जाना पैंदा है। पर हुण जिहड़ी एक वड्डी राहत मिल चुकी है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दित्ती है। एक्साइज पॉलिसी नूं लै के अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार किया गया सी। ईडी दे वल्लों इह पूरी जांच चल रही सी, ईडी दे कोल पूरा मामला सी, जिस तों बाद अरविंद केजरीवाल नूं तिहाड़ जेल दे विच रखा गया। पर हुण अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आउणगे। इस वेले दी वड्डी खबर है कि अरविंद केजरीवाल नूं रिहा किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट तो जमानत जिहड़ी है वह दे दित्ती गई। एक्साइज पॉलिसी मामले दे विच लगातार जिहड़े अरविंद केजरीवाल जेल दे विच सन, लगातार सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाइयां हो रहियां सन, पर हुण जिहड़ी एक वड्डी राहत अरविंद केजरीवाल नूं मिल चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी, और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल।